बड़वानी जिले के राजपुर में विगत दिनों राजनीतिक कार्यकर्ताओं में फेरबदल चल रहा है। कहीं कोई कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं तो वहीं बीजेपी के नेताओं से परेशान होकर कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज ठिकरी मंडल के 27 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। वहीं मीडिया साथियों ने जब कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, कोई मांग और कोई शर्त नहीं है। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी परेशान है। हम आपको बता दें कि पूरा गांव बीजेपी का है, जिससे वहां छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता। साथ ही गांव का विकास हो, इसीलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन की है। जुलवानिया से रवि महाजन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विजय नायक। आपने कांग्रेस ज्वाइन की? हाँ। क्या कारण रहा जो कांग्रेस ज्वाइन की? हमारे यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता के वजह से हम सब परेशान होकर गाँव का विकास के लिए हम बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब क्या रहा? मतलब पूरा गांव बीजेपी का है और उसमें कार्यकर्ता जो अपनी मनमानी करते हैं, छोटे बड़े की कोई लेन देन है वो कई भी चीज़ को समझ नहीं पाते, इसलिए उनको छोड़ के बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। कितने लोग कांग्रेस में? 27। कोई पदाधिकारी है बीजेपी का? नहीं, कोई नहीं है। कार्यकर्ता है? सब कार्यकर्ता है। आज 27 लोग फिर कांग्रेस से ज्वाइन किए? बिल्कुल, देखिए अभी मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने सब पूरा कवरेज किया ही है। भाजपा के 27 कार्यकर्ताओं ने जो कि ठिकरी ब्लॉक के और दवाना मंडलम के हैं, फिर 27 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और आपने सब पूरी प्रोसेस को भी देखा है, पूरी विधिवत तरीके से उनको ज्वाइन किया है और सब ने अपने स्टेटमेंट भी दिए हैं और आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया, आपने कवरेज भी किया है और अभी सब आप रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। आज फिर 27 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और 57 अभी 4 दिन पहले कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की थी, 10 उसके पहले की थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब तो ये स्टार्ट हुआ है, ये सारा जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करने की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, बिल्कुल कतार सी लगी हुई भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आने के लिए। तो मैं सर्वप्रथम हमारे सभी साथियों का जिन्होंने आज कांग्रेस परिवार की सदस्यता जो ग्रहण की है उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की तरफ से और पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, ये जिन भी हमारे साथियों ने अभी भाजपा छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता जो ग्रहण की है, कांग्रेस के परिवार में जो जुड़े हैं, उनका सबका मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और उन सबको हम सभी ने, हमारे सभी साथियों ने, रमेश भाई है, प्रमोद भाई है, अखिलेश भाई है, सचिन भाई है, डॉक्टर तिवारी, जो पूरी हमारी टीम है, सब ने मिलकर उनको हमने होली की, धुलंडी की, रंगपंचमी की बधाई और शुभकामना भी दी है। और उन्होंने आप लोगों के सामने बोला है कि हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। हमको आपका और पार्टी का नेतृत्व अच्छा लगता है और आने वाला जो भविष्य हमको कांग्रेस पार्टी का जो दिखता है, साफ सुथरा काम है, लेकिन अभी हम बिना शर्त के कांग्रेस में आ रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही और आप लोगों ने सबने इसको रिकॉर्ड भी किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।